जावरा के पास गांव रेवास में बिंदोली निकालने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित पक्ष का दावा है कि राजपूत समाज के लोगों ने पिकअप खड़ी कर रास्ता रोक दिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा देकर बिंदोली निकलवाई। दुल्हन के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजपूत समाज के 3 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। रेवास में 2 अलग अलग समाज के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। गुरुवार को गाँव में प्रकाश मालवी की बेटी की शादी थी। राजस्थान से आई बारात गाँव में निकल रही थी। बारात जब राजपूत मोहल्ले से गुजर रही थी तभी कुछ लोगों ने टायर खराब होने का बहाना बनाकर रास्ते में पिकअप खड़ी कर दी। उस रास्ते से निकलने पर जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचक शब्द कहकर मारने की धमकी दी। इससे तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर सरसी व औद्योगिक क्षेत्र थाने से बल पहुंचा। पुलिस सुरक्षा में बारात निकलवाई। गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रात भर व शुक्रवार को सुबह भी पुलिस बल गांव में ही मौजूद रहा। आइए पुलिस थाना TI प्रकाश गडरिया ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। ग्राम रेवास में श्यामाबाई के यहाँ उसकी लड़की की शादी थी, जो मालवी समाज में आते हैं। बोरदिया राजस्थान से इनके यहाँ बारात आई थी। बारात की सेल जुलूस गांव में निकल रहा था। जुलूस गांव में से होते हुए राजपूत मोहल्ले में पहुंचा तो राजपूत मोहल्ले के जितेंद्र सिंह पिता, कालू सिंह, सामर सिंह पिता, उमराव सिंह, दिलीप सिंह, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक टाटा गाड़ी रास्ते में खड़ी कर दी और बोला कि इस मोहल्ले में से तुम्हारे समाज की जुलूस नहीं निकलता है, हम नहीं निकलने देंगे। इसी बात पर उन्होंने मना कर दिया और जुलूस नहीं निकलने दिया। इस पर से फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। प्रकरण में वाहन भी जब्त है जो चौकी में खड़ा है। सर, आरोपियों पर किस किस प्रकार का प्रकरण दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं पर प्रकरण दर्ज हुआ है? आरोपियों के विरुद्ध 323, 294, 506 तथा एटोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ओके, ठीक है। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ MP की मुहिम। बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे। भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।